इलॉन मस्क एक ऐसा जीनियस जो जमाने के हिसाब से नहीं, जमाने को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर देता है। एक बिलियनेयर जिसके इन्वेंशंस इतने फ्यूचरिस्टिक हैं कि आयरन मैन फिल्म के एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक जीनियस की एक्टिंग करने के लिए इलॉन से मिलना पड़ा। आयरन मैन की तरह ही इलॉन मस्क की लाइफ भी साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। इलेक्ट्रिक कार से लेकर इंसान को मार्स पर पहुंचाने का सपना देखने वाले इस जीनियस की लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन कैसे रही होगी इलॉन मस्क की शुरुआती लाइफ, जिस रास्ते पर चलकर ये इंसान आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि एलियंस द्वारा भेजा गया पहला मैसेज भी इलॉन मस्क के पास ही आया, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इलॉन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ। इलॉन के पिता एक इंजीनियर थे, तो ये बात तो साफ है कि इलॉन शुरू से ही साइंस के आसपास रहे। 10 साल की उम्र में जब इलॉन मस्क के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो वो अपने पिता के साथ रहने लगे। जिस उम्र में हम कार्टून नेटवर्क से ही खुश हो जाते थे, वहीं इलॉन ने सिर्फ 12 साल की एज में ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया जो उन्होंने $500 में बेचा। इस एज में इस तरह का काम करने वाला आगे कहां कहां जाएगा, ये अंदाजा तो लग ही गया होगा। 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा मूव हुए और उन्होंने सिर्फ दिन के $1 के खर्चे पर सर्वाइव किया। किसे पता था कि ये बंदा आगे जाकर $20 मिलियन कमाएगा। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डुअल डिग्री पाने के बाद इलॉन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD करने का सोचा, मगर एडमिशन के सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। यहाँ से उनके बिजनेस करियर की शुरुआत हुई। उन्हें पता था कि इंटरनेट ही फ्यूचर है। इसी विजन के साथ 24 साल की उम्र में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप टू नाम की वेब सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जो महज 4 साल बाद उन्होंने कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को $307 मिलियन में बेच दी। इलॉन मस्क को डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ज्यादा कुछ करना था। उनका विजन हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता था। आपने पेपैल का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इसके फाउंडर भी इलॉन मस्क ही थे। इलॉन ने X.com नाम का एक ऑनलाइन बैंक क्रिएट किया जो साल 2000 में कन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गया। फिर आगे चलकर वो बैंक पेपैल बना, जिसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ही ला दिया। पेपैल बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, मगर इलॉन का सपना तो शायद कुछ और ही था। इसलिए 2 साल बाद पेपैल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से इलॉन के हिस्से करीब $180 मिलियन आए। पैसे की बारिश की बूंदे तो बचपन से ही इलॉन पर पड़ती रही थी, मगर हर जीनियस सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम नहीं करता। जैसे हर इंसान की लाइफ में एक बुरा वक्त आता है, इलॉन की लाइफ में भी आया जब उनका पहला बच्चा गुजर गया, मगर हर सदमे से उभरकर इलॉन ने काम फिर से शुरू किया। इलॉन का ये बनाकर बेचने वाला काम अब खत्म हो गया था। बचपन से ही लाइफ का मीनिंग और एलियंस के एग्जिस्टेंस पर सवाल करने वाले इलॉन को जब उनका जवाब भी ढूंढना था। इसी के चलते 2002 में इलॉन मस्क ने SpaceX की शुरुआत की, जो एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है। साथ ही इलॉन इस कंपनी के फाउंडर और लीड डिजाइनर भी हैं। इलॉन का ये दावा सुनकर लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। कहा गया कि स्पेस में सिर्फ साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स ही जा सकते हैं, मगर हर जीनियस आधा पागल ही माना जाता है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने इस एक्सपेरिमेंट पर लगे रहे। इस कंपनी को लॉन्च करने का मेन रीजन पहली ऐसी कंपनी बनाना था जो लोगों को प्राइवेट स्पेस जर्नी अवेलेबल करा सके, और इस कंपनी का दूसरा मोटो 2025 तक लोगों को मार्स पे पहुंचाना था, जिसके लिए कोशिश कई सालों से जारी है। SpaceX ने नासा के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। सक्सेस अब तक जिस तरह इलॉन मस्क के आसपास घूमता है, उसे देखकर यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां मार्स पर मनाएंगे। इलॉन मस्क के जीवन से एक और बड़ी कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इलॉन मस्क ने टेस्ला के फाउंड होने के 1 साल बाद ही उसे ज्वाइन कर लिया। पहले वो टेस्ला के प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बने और बाद में CEO। और मैं आपको बता दूं कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स को अब इंडिया में भी लाने का सोचा जा रहा है। इस पे इलॉन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिस्कस भी किया है। ये कंपनी बैंगलोर में सेटअप की जाएगी। इसके बाद इलॉन ने कई न्यू टेक्नोलॉजी जैसे सोलर सिटी, फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के लिए काम किया।
गया जिसमें हम इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकेंगे। अभी कुछ ही साल पहले हाइपर लूप नाम का कॉन्सेप्ट भी हमें सुनने को मिला, जो कि एक ओपन सोर्स हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे रियल लाइफ आयरन मैन के दिमाग से ही निकला है। इलॉन मस्क की बातें आम लोगों को किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, मगर आज तक ये इंसान उन फिल्मी कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाने से कभी फेल नहीं हुआ। इलॉन मस्क के इन्वेंशन में सबसे इंटरेस्टिंग है SpaceX। ये कंपनी नासा के साथ मिलकर जो प्लान कर रही है वो सच में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। 2025 ज्यादा दूर नहीं है, मगर क्या इन 5 सालों के बाद हम मार्स पर होंगे? बड़े बुजुर्गों ने कहा है दूर की सोचो, मगर इन भाई साहब ने तो 158 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स तक सोच लिया। हालांकि कुछ ही महीने पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट में SpaceX का एक रॉकेट वापस लैंड करते वक्त ब्लास्ट हो गया था, मगर तब भी इलॉन मस्क को कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा वो खुश हुए। और वो सोच क्या रहे थे ये कोई नहीं जानता, मगर ये जीनियस बहुत पहले से फ्यूचर प्रिडिक्ट करता आ रहा है। शायद इस नाकामयाबी में भी कामयाबी उन्होंने देख ली हो। इलॉन मस्क अपने ट्वीट्स की वजह से भी काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप की नई गाइडलाइंस के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही सिग्नल ऐप जो कि व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट है काफी डाउनलोड किया जा रहा है। इसी मामले में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था यूज सिग्नल, हालांकि वो कहना चाहते थे कि सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करो। लोगों को लगा कि वो शेयर्स की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि सिग्नल ऐप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मगर भोली जनता ने किसी छोटी कंपनी सिग्नल एडवांस के शेयर्स खरीद लिए और वो लकी कंपनी के शेयर्स 11,708% ऊपर चले गए। समझदार की बात समझने के लिए सुनने वाला भी समझदार होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही है बाबा झन्नाट ने। खैर, ट्वीट की ओर बात करें तो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी कंपनी ने एलियंस द्वारा भेजा गया एक मैसेज डीकोड कर लिया है। इलॉन मस्क फ्यूचर में जीते हैं और उनका काम इस बात का सबूत है। 2021 में इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, हालांकि एक हफ्ते के लिए ही वो थे, पर उस पर भी उन्होंने एक ट्वीट किया, हाउ स्ट्रेंज, वेल बैक टू वर्क। यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का फॉर्मूला उन्होंने मजाक में बता दिया। काम काम ही है जो इंसान को ऊपर या नीचे ले जाता है, शर्त है कि आपके डायरेक्शंस सही हों। इलॉन मस्क की जिंदगी के एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। कई चीजें और सवाल हैं जिनके जवाब इलॉन पता लगा कर ही रहेंगे। इलॉन मस्क की लाइफ को देखकर तो हमें ये समझ आ गया कि लेजेंड्स बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं, और ये लिविंग लेजेंड आज भी अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस रियल लाइफ आयरन मैन से कई यंग लोग रोज इंस्पायर होते रहते हैं। अब देखना यह है कि आप और हम इलॉन मस्क से क्या सीख लेते हैं। अगर आप गेमिंग एंथुजियास्ट हैं, आपको गेम्स खेलना या लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद है, तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम रोज करता हूँ। वहाँ पर आप चाहें तो मुझसे चैट भी कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वहाँ मैं आपको उन सवालों का जवाब भी दूंगा। सी यू देयर। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।